नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको इस भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी आपको बताने वाले। बहुत से लोगों के मन में डाउट्स है कि क्या ओ लेवल कंपलसरी है, क्या ओ लेवल की जगह हम ये वाली डिग्री लगा सकते हैं, या ओ लेवल की जगह आप कौन सी डिग्री लगा सकते हैं, और साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है। तो भर्ती कितनी है, लोग बड़े कंफ्यूज है, 1277 है, 1329 है, क्या है। तो दोस्तों, सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। अगर उसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इसका फॉर्म आपको कहाँ पे मिलेगा। तो दोस्तों, फॉर्म आपको मिलेगा rozgarresult.com पे। जी हाँ दोस्तों, एक ट्रस्टेबल, एक जेन्युइन, एक बहुत ही भरोसेमंद वेबसाइट rozgarresult.com। जी हाँ दोस्तों, rozgarresult.com खोलना है। दोस्तों, एक नया ऑप्शन भी आ गया है rozgarresult.com पे। आप अपना रिज्यूम और CV अपने मोबाइल से rozgarresult.com के थ्रू भी बना सकते हैं। आपको मैं उसकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक वेबसाइट और बता देता हूँ जिसका नाम है sarkarirezult.com। दोस्तों, जब भी गूगल पे सरकारी रिजल्ट लिखिए, लास्ट में .com जरूर लगाइए, क्योंकि इसके नाम से मिलती जुलती बहुत सी डुप्लीकेट और फेक वेबसाइटें आ गई। तो चलिए दोस्तों, सीधा हम क्लिक करेंगे यूपी पुलिस ASI ऑनलाइन फॉर्म पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दें, इसमें कुल जो है 1329 वैकेंसी है, जिसमें उम्र की सीमा जो 21 से 28 साल है। फॉर्म इसका 1 मई से जो है शुरू हो जाएगा, और जो है आपको देख सकते हैं 1 मई से शुरू होने के बाद आपको यहाँ देखेंगे तो 31 मई तक चलेगा, यानी कि फॉर्म शुरू होने में भी थोड़ा समय है, लेकिन आपको जो जानकारी यानी डाउट्स है वो क्लियर आज ही हो जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें जो मांगा है यानी जो बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी है वो मांगी है जैसे कॉन्फिडेंशियल में मांगी है, बैचलर डिग्री हो, साथ में आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग मांगी है, 25 शब्द और 30 शब्द स्टेनो भी मांगा है, और ओ लेवल मांगा है। दोस्तों, ओ लेवल वाले लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल बंद मत कीजिएगा। अभी मैं आपको इसका सिलेबस और ओ लेवल का जो इक्विवेलेंट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आपको दूसरा मैं बता दूँ, ASI क्लर्क का है। ASI क्लर्क में भी आपका बैचलर डिग्री मांगी है, हिंदी टाइपिंग मांगी है, और ओ लेवल मांगा है। और ASI अकाउंट में कॉमर्स मांगा है यानी कि BCom वाले है, हिंदी टाइपिंग एक बहुत ही नॉर्मल स्पीड मांगी है, और साथ ही साथ ओ लेवल मांगा है। अगर आपको कैटेगरी वाइज देखना है, फिजिकल एलिजिबिलिटी देखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम चलते हैं सीधा इसके सिलेबस पे। तो सबसे पहले हम सिलेबस पे क्लिक कर देते हैं। तो आपको बता दें, इसका जो सिलेबस है आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, sarkarirezult.com और rozgarresult.com पे उपलब्ध है। 3 पेज का सिलेबस है दोस्तों ये, तो देख सकते हैं हिंदी में उपलब्ध है ये, जिसमें आपके जो है GS है और आपके कंप्यूटर नॉलेज है, ये सारी चीज़ें जो है दी हुई हैं। आप नीचे देखिए, ये देखिए सारी चीज़ें जो है सिलेबस में है। मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जहां से आप डाउनलोड करेंगे। दोस्तों, हम चलते हैं सबसे ज़्यादा जिसमें लोग कंफ्यूज है, यानी कि ओ लेवल की इक्विवेलेंट डिग्री कहां कौन सी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। तो सीधा हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसका लिंक भी आपको sarkarirezult.com और rozgarresult.com पे मिल जाएगा इक्विवेलेंट डिग्री का। तो दोस्तों, आपको बता दें, जैसे आपका BSc कंप्यूटर साइंस है, ये ओ लेवल से ऊपर की डिग्री है, ये इसमें मान्य है। अगर आपके पास BSc का जो है कंप्यूटर साइंस है और 1 वर्ष तक ओ लेवल भी 1 वर्ष का कोर्स है, अर्थात दोनों ही कोर्स एक दूसरे के समकक्ष है, यानी कि BSc कंप्यूटर साइंस वाले लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं यानी BBA, बहुत से लोगों के पास BBA है, तो लोग सोचते हैं क्या BBA भी ओ लेवल के इक्विवेलेंट है। नहीं दोस्तों, BBA ओ लेवल के इक्विवेलेंट नहीं है। अगर आपका BSc IT है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। CCC वाले लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, CCC वाले फॉर्म जो है इसको नहीं भर सकते। 6 मंथ का अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है नीलेट से, तो उसके समकक्ष नहीं होता, ओ लेवल आप नहीं भर सकते। दोस्तों, अगर आपने कोपा किया है, वो भी 52 सप्ताह वाला यानी 52 वीक्स वाला, अगर आपने कोपा किया है तो भी आप इसको जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपके पास कोपा की डिग्री है और लेकिन 52 सप्ताह यानी 52 वीक्स वाला है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वो ओ लेवल के इक्विवेलेंट माना गया है। इसी तरह दोस्तों, आगे चलते हैं MSc का जो है, आप देख सकते हैं MSc का अगर आपने डिग्री कर रखी है, जैसे कि साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी, तो ये भी जो है मान होती है। और नीचे से आप देख सकते हैं, अगर आपने ओ लेवल इक्विवेलेंट को यूपी इलेक्ट्रॉनिक ओ लेवल समकक्ष किया और उसमें दिया हुआ है कि यदि ये कोर्स 1 वर्ष की अवधि का है, तो ये मान्य होगा। उसके यहाँ पूछ रहा है क्या किसी प्राइवेट संस्थान कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हो तो ओ लेवल के समकक्ष है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि जो है ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा, लेकिन वो उसके यहीं से होना चाहिए, UGC से हो या तो AICT से हो, इग्नो से हो, नीलिट से हो, डोएक से हो, तभी जो है मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग दिया हुआ है पूरा, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो मैं आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ इस स्क्रीन का लिंक भी दे दूंगा, और साथ ही साथ आपको बता भी दूँ इसमें टोटल उन्होंने हर जो स्टेप बाय स्टेप जो पूरा कर रखा है, जैसे कि PGDCA का भी इन्होंने जिक्र किया है, तो PGDCA को भी ओ लेवल के समकक्ष इन्होंने माना है। और अगर मैं आपको और किसी में बताऊँ तो जैसे इंजीनियरिंग डिप्लोमा है, जी हाँ दोस्तों, 3 साल का अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा है तो क्या उसके समकक्ष है, तो यहाँ पर इन्होंने दिया है, यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्य प्राप्त किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी UGC AICT इग्नो नीलेट
द्वारा निर्गत है तथा उक्त डिप्लोमा या डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है तभी माने, यानी अगर आपका डिप्लोमा जो है सी एस है आई टी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग कोर्स है, पी सी एम एम सी ए वाले भी जो है इस फॉर्म को जो है भर सकते हैं, अगर आपके पास बी टेक है या एम सी ए वगैरह है तो भी आप इसको भर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं बी सी ए की। जी हाँ दोस्तों, बी सी ए बहुत ही ज़्यादा कॉमन कोर्स है। तो बी सी ए 3 वर्ष का डिप्लोमा से ऊपर की डिग्री है, अर्थात बिना पी सी एम के बी सी ए किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा, यानी कि आपने अगर पी सी एम नहीं के साथ नहीं है तो आप पात्र होंगे, अगर आप उसके साथ है तो पात्र नहीं होंगे। तो बिल्कुल दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी एलिजिबिलिटी समझ के तभी फॉर्म भरना है। और इस वीडियो को कोशिश कीजिएगा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ टैग कीजिएगा, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर टोटल इन्होंने 25 तरीके के डाउट्स जो है 24 तरीके के डाउट्स जो है क्लियर किए हैं स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स होता है तो फिर आप जो है कमेंट कीजिएगा, या तो आप इसको जो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, साथ ही साथ इसका लिंक आपको सरकारीresult.com और रोजगारresult.com पर मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।